असातजा है जो हम अपने हकूक के लिए यहाँ कराची आए हैं, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट ने हमारे जो मुतालबात है सारे तस्लीम किए हैं। तस्लीम करने के बावजूद भी ये नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए ये सिंध के असातजा परेशान है। अभी हमने सीएम हाउस पर धरना देना था, वहाँ पे जो आपने देखा वहाँ पे रेंजर्स पुलिस ने लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैन, पुर तशद्दुद टीचर्स में किया है। हमारी कयादत को जो है वो एक एक सौ के ऊपर जो है हमारे असातिज़ा गिरफ्तार है, उन पर बहुत तशद्दुद हुआ है। हम इस शर्मनाक अमल की पुरजोर में मुज़म्मत करते हैं। हम पहले भी आए थे, हम मुतालबा करते हैं कि हमारे लीडर्स को आजाद करके हमारा मुतालबा पूरा किया जाए। हम अपने चार्ज करने जा रहे थे वजीर अला हाउस के पास, पुलिस ने तशद्दुद किया, रेंजर्स भी साथ थी, उन्होंने पर तशद्दुद किया, सर फाड़ दिए हमारे, कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया और हमारे कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, हम भी जख्मी हैं। आपके सामने हालत ये है, हम अपनी चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हमारे अपने हकूक हासिल करने लिए जा रहे थे। हमारा अपग्रेडेशन का मसला है, ग्रुप इंश्योरेंस का मसला है और बहुत से टीचर जो बरतरफ हो गए उनको बहाल कराने का मसला है। फिर लॉलीपॉप दे देते हैं, झूठे नोटिफिकेशन हाथ में दे देते हैं। जब हम मुतालबात के लिए जाते हैं तो हम पर लाठियां मारते हैं। आज तो रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, सबने हम पर तशद्दुद किया। ये बताइए टीचर्स को ये रवैया बेहतर है क्या? टीचर्स क्या करें, अपने उन्होंने शिकायत की, मिन्नतें की, उनको सब दूसरे टीचर को उन्होंने रेगुलर कर दिया, ठीक है। और जो नेते उस्ताद हैं जो बेचारे नौवे स्केल में, वो बोल रहे कि मैं इक्वल ग्रेड दे दो, उसको भी ये मानने को तैयार नहीं है। लाठी चार्ज हम वजीर अला हाउस के पास यादा शर्मा पेश करने जा रहे थे तो हम पर लाठी चार्ज कर दिया। तकरीबन हमारे 100 से ज्यादा जो साथ गिरफ्तार है और काफी जख्मी भी हैं। 100 से ज्यादा हमारे उस्ताद जो है, हमारी लीडरशिप जो है, क्यादत है, वो उन्होंने जेलों में डाल दिए हैं। अभी हमारे कई उस्ताद अभी रोडों पे पड़े हुए हैं, कई बेहोश हो चुके हैं, कभी के कपड़े लुड़ुल हो चुके हैं, कभी के कई उस्ताद हमारे अस्पताल जा चुके हैं। लेकिन ये रियासती तदुश, ये जो जमहूरी गवर्नमेंट खुद को कहला रहे हैं, हम उस्ताद हैं, पैगंबरी पेशे से ताल्लुक रख रहे हैं, हम क्या इनसे क्या मांग रहे हैं, कौन से हमने जुर्म किया है जो इतनी हमारे ऊपर बर्बरत की जा रही है, लाठियां जा रही है। ये बिल्कुल गलत अमल है, सही, हम हमारी पुरमर जदोजहद है, हम तो पुरमर है, हमारे हाथों में क्या है, हम वो लोग हैं जो हम दर्ज देते हैं, एक अच्छे इंसानियत को दर्ज देते हैं, हम जो है वो लोगों को तालीम देते हैं, एक मुआशरे को सही तरबियत देते हैं, हमारे में इतनी राशि तरबियत। सर ना ले हुकुमरान, हमें सर डंडियां मिली है, लाठियां मिली है, हमें तशद्दुद मिली है और हमें क्या मिली है, हमारी पूरी क्यादत जो है वो जेलों में जा चुकी है, हमारे हजारों के तादाद असातिज़ा इन रियासती जाबरों ने जो जेलों में डाल दिए, कई उस्ताद हमारे बेहोश पड़े हैं जो अभी हॉस्पिटल में जा चुके हैं, ये हमें तरबियत मिली है। ये पुलिस गर्दी है, ये गुंडागर्दी है, इन्होंने असातिज़ा पर उस शऊर पर इन्होंने हमला किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। हम पुरअमन हैं, हम टीचर हैं, हम उस्ताद हैं, हम अशऊर हैं, मगर इन्होंने जो कहने ये गुंडागर्दी कर दी है, ये पुलिस का जो है ना रवैया ये बहुत खराब है। अगर कैबिनेट है हमारा जो है ना वो मंजूर किया हुआ है, हमारे वो एग्री किया हुआ है, मगर वो भी जो है ना वो ये नहीं मानते। हम इसलिए मनना था तो कौन बात सुनेगा हमारी, हमारी हम यादाश्त नामा वो देने गए थे, ये बात है और कोई बात नहीं है। और हम क्या करें, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तमाम दे देने गए तो कुछ नहीं था पर जुल्म की, आज इंतहा कर दी, आज फलस्तीनियों के साथ कश्मीर जैसे इसराइल ने ऐसा आशर नहीं किया, रेंजर्स के हाथों, पुलिस के हाथों, नियत उस्तादों पे पूरी तरह तशद्दुद किया गया। एक दर्जन उसे कैसे हिसाब से हमारे टीचर गिरफ्तार करके गए, हमारे तरफ ऊपर बहुत लाठी था, हम कुछ नहीं इनसे मांगते, हम कहते हैं हमारे जायज मुतालबात मंजूर करो, इस बात से वो जिद में आ गए हैं, हमें मार के हमारे काफी लड़के उस्ताद बेहोश हो गए, तकरीबन 150 से ऊपर वो गिरफ्तार हो गए, हमारे हाजी शफी सिकंदर, और हमें इतना बुरी तरह मारा गया है जैसे कि हम एक फलस्तीनियों के साथ इसराइल कर रहा है, कश्मीरियों के साथ इंडिया कर रहा है, आज सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो हशर किया है। समझ से भी बाहर है कि असातिज़ा जो है वो मोहतरम तरीन तबका होते हैं माशरे का, और इस माशरे में जितने भी लोग हैं वो सब असातिज़ा की ही बदौलत अपनी अपनी पोजिशन पर इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हम पर लाठी चार्ज करने वाले भी हमारे ही पढ़ाए हुए लोग होते हैं।
इंतहाई अफसोस की बात है कि असाज़ा के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया नहीं रखा जाता है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें हमारी इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जाए।